ये मुझसे तो बड़ा मुश्किल काम है, इसके पैसे अलग से लूंगी। 1 2 3 बप्पा इज अ ट्रेजरी, गणपति बप्पा। अरे अब मैं अपना सुन के ना जो चेंज करना होगा उसको करूंगी। हर मंदिर दासरा तक में जद जद शीस बिन मंगे सब कुछ वन पीस बिन मंगे दोनों बार फिर से कहूंगी कुछ ना बोले बिन मंगे क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के, पंजाबी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, कौन सी फिल्म है और किस तरह का सिचुएशन, गाना है और कितना ज़्यादा एंजॉय किया इस गाने को आपने? फिल्म का नाम है आसरा, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो मैंने अभी सुनी और बहुत ही खूबसूरत गीत डी एच हारमनी जो है उन्होंने ये बनाया है गाना, और लिरिसिस्ट हैं दिलजीत अरोरा जी। हम तो म्यूज़िकली जो हैं बता सकते हैं ज़्यादा कि लिरिकली म्यूज़िकली बहुत ही मीठा गाना है। शुक्राना दातिया, ईश्वर का शुक्रिया अदा किया गया है। आपने बहुत गीत सुने होंगे जिसमें डिवोशनल गीतों में हम उसका धन्यवाद करते हैं, तरीके तरीके से आया है, कभी उससे हिम्मत मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। उसी प्रकार इस गीत में बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में एक शुक्राना बयां किया गया है, उसका धन्यवाद किया गया है। तो मेरे तो आंखें भी भर आईं और रोंगटे भी खड़े हो गए, और मुझे ये पूरा ये लगता है ऐसा कि ये गीत सुनने के बाद घर घर में लोग जो हैं वो शुक्राना करेंगे, रोएंगे और इसे महसूस कर सकेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कितना जरूरी है आज के ज़माने में, देख रहे हैं जो भी आ रहा है गीत संगीत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता है, तो एक मीनिंग जस्ट पैदा करे, क्योंकि आज के ज़माने में जो भी गाने आ रहे हैं काफ़ी ऐसे कम गाने होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जिस बात पर। एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने कि लिरिकली जो है वो असर होना चाहिए, आपको आत्मा पे असर करना चाहिए। और इस तरह के गाने आजकल देखिए ना, गाने जो हैं हमारे त्योहारों पे गाने आते थे, आज भी राखी के गाने, दिवाली के गाने, होली के गाने, इस तरह के गीत हमने पुराने जो सुन रखे हैं। और आज बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया है कि एक होली है उसका ज़रूर सालों में एक गीत आ जाता है, उसके अलावा त्योहारों पे भी गीत बंद हो गए हैं। तो बहुत देर के बाद जब इस तरह के कोई गीत आते हैं तो वो बहुत हिट हो जाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। तो अपने जो है कल्चर के साथ जुड़े रहना जो है वो यही सब चीज़ें हमें जोड़े रखती हैं। तो लफ्ज़ों का भाव जो हम प्रकट करते हैं लफ्ज़ों के
लफ्ज़ों से जो बयां करते हैं इमोशंस को, उसका एक असर होता है आत्मा पे. तो जब अच्छे लफ्ज़ लिखे होते हैं तो वो अच्छे लफ्ज़ आपकी आत्मा को सीधा जो है वो छू जाते हैं. उसी तरह धुन है, अच्छी धुन जो है वो आप भले ही आपको लफ्ज़ ना याद हों, धुन होती है आपके जो जहन पे छा जाती है, तो आप उसको जो है वो बिना उसके ला ला करके हा हा करके उस तरीके से उसको बयां करते रहते हैं, आप गाते रहते हैं. तो शब्दों का एक बहुत बड़ा यानी योगदान है हमारे संगीत को. शब्द ना हो तो फिर संगीत भी अधूरा रहता है. और ये भी पूछना चाहूँगा, कल ही जैसा कि मोहम्मद अजीज जी का निधन हुआ, क्या कहना चाहिए, कितना बड़ा नुकसान है संगीत जगत को, और कोई ऐसा अनुभव जब साथ अपने काम किया हो किसी गाने के लिए? या बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने उनके साथ गाया तो नहीं लेकिन कई मरतबा हम लोग शोज में इस तरह से पार्टीज में मुलाकात हुई. बहुत इज्जत और बहुत प्यार देते थे और कहते थे मुझे आपका गाना बहुत पसंद है बहन, और कभी मिलें बैठें और आपको और सुनने का मन होता है, इस तरह से बात करते थे. बहुत ही अच्छे इंसान, मुझे तो बहुत अच्छे लगे. और बहुत दुख हुआ, मैं कल से मतलब उनका कल निधन हुआ और मैं यही सोचे जा रही हूँ कि ऐसे कैसे चले जाते हैं लोग, कि मतलब उनको तकलीफ़ हुई और उस तरह से तो उन्होंने तकलीफ़ बहुत कम पाई और निकल गए. बहुत लोग तो तकलीफ़ में पड़े रहते हैं और जूझते रहते हैं, तो उस तरह से तो उन्होंने मौत बड़ी अच्छी पाई लेकिन बहुत जल्दी चले गए. इस बात का बहुत दुख है और डेफिनेटली हम उन्हें हमेशा दिल से याद करते रहेंगे, उनके फैंस उनको याद करते रहेंगे, और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ और करती रहूँगी. बड़ी दुख की बात है, एक रेड कारपेट होता है, कोई फिल्म होती है, उसके लिए सब स्टार पहुँचते हैं. किसी को अगर बड़े स्टार को खांसी आ जाती है, एक सिंगर की डेथ पे कोई भी फिल्म स्टार नहीं पहुँचा, आज सिर्फ सिंगर पहुँचे, उदित नारायण, सुखविंदर, क्या वो हिस्सा नहीं है बॉलीवुड के? देखिए मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ ना कहूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कौन किस सिचुएशन में है. लेकिन पूरा बॉलीवुड सिचुएशन में नहीं हो सकता है. नहीं, पूरा तो नहीं हो सकता, बहुत लोग गए हैं और ये दुखद है कि जो है कि इतना कोई जुड़ा हुआ हो उसके लिए हम ना पहुँचे. पीछे मैंने देखा प्राण साहब की डेथ हुई, उसमें भी मैंने देखा बहुत कम लोग नज़र आए. और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार गए हैं. मैंने सुना ओपी नैयर साहब के समय में सिर्फ 2 लोग वहाँ थे और लोग नहीं पहुँचे. जो आज भी उनका संगीत, कल भी मैं रेडियो पे उनका गाना सुन रही थी, ज़रा हौले हौले चलो मोरे साजना, तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे गीत बना के ये लोग चले गए. दुख की बात है कि इतने महान आत्माएं, इतनी महान शख्सियतें आईं और चली गईं, और जब जाने लगीं या गईं तो उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके अपने लोग ही नहीं पहुँचे. और बाकी हम सब भी एक दिन सबने जाना है और सबका वही रास्ता है, और पता नहीं कि हम जाएंगे तो क्या होगा. सो इसलिए इस बात पे तो मैं सिर्फ दुख ही प्रकट कर सकती हूँ, बाकी मैं किसी की सिचुएशन नहीं जानती इसलिए मैं किसी को इसका दोष भी नहीं दे सकती. अनिल कपूर, जितेंद्र, मिथुन, सबके कैरियर के जो गाने हैं, जो कैरियर शुरुआत की जिन्होंने, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं. दुख की बात है कि नहीं पहुँचे. मैंने फिर कहा पता नहीं वो कहाँ हैं कि नहीं हैं इधर बॉम्बे के अंदर. डेफिनेटली बैठे अपने घर में सब दुख प्रकट कर रहे होंगे कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती हैं. आज मैं देखिए आपके साथ रिकॉर्डिंग में बैठी हूँ, मैंने भी शाम को जाना था, मैं नहीं जा पाई क्योंकि प्रोड्यूसर की ये मांग थी कि आज ही गाना ख़त्म करना है. तो मैं भी उस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार हूँ, इसका मतलब कि मैं नहीं जा पाई. लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी, मैं नहीं निकल पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं है. बहुत दुख है, और जो अपने घरों में बैठे हैं जो नहीं जा पाए, आई एम श्योर उनको भी बहुत दुख हुआ होगा. लेकिन सिचुएशन सबकी अलग होती है और हमें किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मुझे. लास्टली एक कहना चाहूँगा, बाली सर एक जो फिल्म बना रहे हैं, ये काफ़ी लीक से हट कर होगी, काफ़ी जज्बाती फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के सब्जेक्ट पे? बलकार सिंह बाली जी डायरेक्टर हैं और राजकुमार जी, अशोक मल्होत्रा जी इसके प्रोड्यूसर हैं, और बहुत ही प्यारी स्टोरी है. मतलब मैं तो सुन के ही मेरी आंखें भर गईं कि इतनी ऐसी एक फिल्म आई थी हिंदी की, बड़ी मिलती जुलती. उसमें भी वो लेडी जो है वो चाहती है कि उसके बच्चे, वो मरने वाली है
राखी गुलजार पे वो फिल्म थी और वो लास्ट में चाहती थी कि उसके बच्चे जो हैं वो कोई गोद ले ले ताकि वो मतलब कहते हैं ना रुल ना जाए, है ना। तो ऐसी ही स्टोरी है ये, तो अब डायरेक्टर अब देखते हैं कितना इमोशन और पैथोस इसमें भरेंगे, कलाकार कैसा काम करेंगे तो उसमें और मज़ा आएगा। संगीत तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये एक गीत गाया है एंड आई थिंक मैं एक और गाने वाली हूँ, तो बहुत ही प्यारा संगीत लगा मुझे। और मैं इस पूरी टीम को, आसरा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको कामयाबी दे और ये फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो, इसके गाने सुपर डुपर हिट हो, ताकि आप भी सब मिलकर शुक्राना करें। एक आईडी देना नए साल पे, एक मिनट एक सेकंड मिले। हाँ यार रोलिंग। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जसपिंदर नरूला और मैं आप सबको नए साल की, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। 2019 के क्या प्लान है और कैसे शुरुआत रहेगी, क्या कहना चाहेंगे 2019 भैया? ये मत पूछिए, प्लान कभी नहीं। अच्छा एक प्लान के लिए बोल सकती हूँ आप पूरा शुरू से बोल दे एक बार, स्टार्टिंग से। हाँ नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जसपिंदर नरूला और मैं आप सबको क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर आपके लिए 2019 बहुत बहुत सुखद लेकर आए, बहुत खुशियां लेकर आए, बहुत कामयाबी लेकर आए। मैं तो सोच रही हूँ कि उसका शुक्राना ही किया जाए। हर दिन बहुत अच्छा है, हर दिन हम सांस लेते हैं, अगले दिन फिर जागते हैं, सांस लेते हैं, उसका शुक्राना करते रहें हमेशा। और प्लानिंग मैं कभी नहीं करती हूँ, प्लानिंग वो मेरे लिए करता है। उसने क्या प्लान किया है आने वाला साल बताएगा। बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। एस्ट्रोलॉजी के साथ आप शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? एक लाइन में सब कुछ, एक लाइन में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में नए साल की शुरुआत। अरे भाई एस्ट्रोलॉजी पे गए तो फिर मैं पूरा चिट्ठा खोल दूंगी, एक लाइन मालूम है, एक लाइन एस्ट्रोलॉजर हूं खुद। जी हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या बताऊं मुझे, नहीं नए साल की शुरुआत कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं, मुझे अभी मैंने देखा नहीं गोचर में, लेकिन अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही सोच रहे हैं। गोचर में बहुत बदलाव आया है अभी, और अभी आगे बहुत सारे अस्त हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, बहुत बहुत सारे वक्री हैं, तो अभी शनि महाराज भी वक्री होने वाले हैं, तो अस्त भी होने वाले हैं, तो अभी आगे जाके देखते हैं क्या प्रभाव होगा। हर इंसान पे, हर राशि पर उसका अगला जो असर होता है वो अलग होता है। हर असेंडेंट पे जो आपका लगन है, लग्नेश है, उस पे उसका असर अलग होता है। तो इसलिए इसकी इस तरह से मैं गणना नहीं कर सकती और नहीं बता सकती, लेकिन विश कर सकती हूँ कि अगला आने वाला साल आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा और जसपिंदर जी जा रही हैं सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए, क्या सिचुएशन गाना है और कितने उत्साहित इस बात को लेकर? देखिए इस पिक्चर का नाम है आसरा और ये कहानी बड़ी इमोशनल पिक्चर है और ये पिक्चर की ओपनिंग जो गाना है शुक्राना शुक्राना, तो हम लोग पहले से डिसाइड किया था गाना जसपिंदर जी गाएंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनके अंदर पंजाबी फील, पंजाबी गाने का जितना एकदम टिपिकली वॉइस है उनकी, और उन्होंने गाया है इस पिक्चर में बहुत अच्छा गाना गाया है। मैं जैसा चाहता था उससे बहुत ऊपर गाया उन्होंने। और ये पिक्चर की, हमारे पिक्चर की शुरुआत है इसी गाने से, पिक्चर की शुरुआत होती है। पिक्चर इमोशनल पिक्चर है, एक्शन है, इसमें हीरो गुगू गिल है और इसमें डायरेक्टर मैं हूँ बलकार सिंह बाली और इसके प्रोड्यूसर है राजकुमार जी, अमृतसर के रहने वाले हूँ भी। और इस पिक्चर में गुगू गिल हीरो है और हीरोइन के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, पंजाबी कोई हीरोइन आए तो मैंने काफ़ी कभी व्यस्त थी हीरोइने, तो फिर मैंने हमारी काफ़ी पिक्चरें कर चुकी रानी चटर्जी भोजपुरी की हीरोइन है, तो मैंने उसको पूछा कि तुम करोगी, तो बोली यार बहुत एक्साइटमेंट होगी, मैं करूँगी करूँगी, मैं उनको ऑडिशन देना पड़ेगा पहले इसका, क्योंकि पंजाबी अलग कल्चर है
और पंजाबी में काम करना, पंजाबी जैसा सब भाव भाव होना थी। तो उसने मुझे ऑडिशन दिया, घर पे आके ऑडिशन दिया, ऑडिशन दिया और मैं ऑडिशन से बहुत खुश हुआ। तो मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि यही करेगी इसमें। तो उसने, मैंने बोला अभी तुमको बहुत वर्क करना है। उसने बहुत वर्क किया पंजाबी में और स्क्रिप्ट में पूरा काफ़ी कम से कम 2-3 महीने तक उसने कल स्क्रिप्ट में मेहनत किया और किया। और फिर मैंने पंजाब गया, हमने शूटिंग स्टार्ट किया। गुगू गिल वहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसके सामने वो डगमगाई हो, लेकिन डट के उसने काम किया बहुत अच्छा। उसका काफ़ी लीड है, बहुत अच्छा काम है। पूरी फिल्म में इमोशनल सीन है उसके और गाने हैं, गाने तो अच्छा करती है, गाने भी अच्छे उसने किए। तो ये इमोशनल पिक्चर है। एक लाइन में स्टोरी क्या है? ये एक स्टोरी है, एक पारिवारिक कहानी है जिसके 4 बच्चे होते हैं और बड़ी लड़की को 11-12 साल की होती है, 2 ट्विंस बच्चे हैं जो 7-8 साल के, और उससे छोटी लड़की है। अभी इसमें ये होता है कि उसकी माँ को कैंसर हो जाता है और हीरो जो होता है वो इसमें विलन टीनू वर्मा जी हैं, एक्शन उन्होंने किया है। टीनू वर्मा के साथ फाइट में दोनों मारे जाते हैं। अब इसको ब्लड कैंसर, ये भी मरने वाली है। अभी ये सोचती है कि मैं अपने बच्चों को किसी को अडॉप्ट करा दूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से बच्चे अडॉप्ट होते हैं और एक बच्चा जो अपाहिज होता है उसको कोई नहीं लेके जाता है। तो वो कैसे कोई लेके जाता है इस पिक्चर में आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या है। सर ये मैं चाहूँगा रानी चटर्जी को अपने कास्ट करने फिल्म में, लेकिन भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस है वो, और पंजाबी फिल्म और भोजपुरी फिल्म में अब काफ़ी अंतर है, एक कैसे काफ़ी ऊपर है अगर देखा जाए। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा चुनौती होगा आपको इस फिल्म में वो कास्ट करने? देखो क्या है, मुझे एक एक्ट्रेस अच्छी चाहिए थी और पंजाबी में पंजाबी हीरोइन लेना चाहता था, लेकिन पंजाबी हीरोइन में कुछ व्यस्त थी जो जिसको मैं लेना चाहता था, लेकिन वो उनके व्यस्त के कारण मैं नहीं ले पाया। और मैं थोड़ा कोशिश की और भी, लेकिन मैं रानी से बात किया तो रानी ने बोला कि ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, तो उन्होंने किया। और ऐसा नहीं कि उनकी फैन फॉलोइंग पंजाब में कम है, पंजाब में भी लोग जानते हैं, यूपी बिहार वाले हैं जब पिक्चर देखेंगे कि रानी है। वो मेरे लिए तो प्लस है कि एक उत्तर प्रदेश के भी जितने हैं वो भी ज्वाइन हो जाएंगे इसके लिए। थैंक यू सर। कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, आप प्रोड्यूसर है, कितनी कमर्शियल मूवी है ये? ये मूवी हमने एक चैलेंज ही है हमारे लिए, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो फिल्में चल रही हैं ना मोस्टली कॉमेडी हैं, वही हिट होती हैं या हिट स्टार होते हैं उनकी फिल्में हिट होती हैं। लेकिन ये बलकार सिंह जी ने मुझे अप्रोच किया कि एक मेरे पास ऐसी स्टोरी है जो ट्रेंड चेंज कर सकती है पंजाब का, तो एक छोटी सी कोशिश है। बाकी तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि उनको क्या पसंद आता है। वैसे तो लोग यही कहते हैं कि हम 250-250 रुपया खर्च करते हैं तो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो फिल्म हमने बनाई है ये आम जनता से जुड़ी हुई है, आम लोगों से जुड़ी हुई है। जो भी इस फिल्म को देखेगा कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे घर से, हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई फिल्म है। थैंक यू सर।